ये देखिए हमारी वेजिटेबल बिरयानी तैयार हो गई है, दम आ गया है इसके अंदर। और ये देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त हो रही है, ये बहुत ही डिलीशियस, खाने में भी बहुत ही जायकेदार लग रही है ये। तो बस ये देखिए हमारी वेजिटेबल बिरयानी बनके तैयार हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप, आज मैं बनाने वाला हूँ वेजिटेबल बिरयानी। तो ये सब इंग्रेडिएंट हमारे सामने रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम बनाने वाले हैं एक अलग ख़ास तरीके से वेजिटेबल बिरयानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहे 3 पाव चावल, इनको मैं क्या करने वाला हूँ, भिगो के रख दूँगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो सबसे पहले मेरा इंग्रेडिएंट मेन जो है वो है दही, ये मैंने दही ले ली है। उसके बाद ये बीन्स है, ये मैंने बीन्स ले लिए हैं। और ये रही हमारी कैरेट, 2 कैरेट हमने ले ली है। और ये रही कैबेज, कैबेज पूरी डलेगी नहीं, इसमें से आधी कैबेज, थोड़ी सी कैबेज का हम यूज़ करेंगे। फिर ये हमारे 3 ओनियन हैं, ये कुछ टमाटर ले लिए हैं, 2 आलू ले लिए हैं हमने। और ये रही हमारी मटर, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें मैंने 2 कैप्सिकम काट ली है, ये भी डाली है मैंने। कुछ हमारी ग्रीन चिली है, और ये रहा कोरिएंडर लीफ। तो ये सब के सब इंग्रेडिएंट हमारे बहुत ही ज़रूरी हैं, इन्हीं सब को लेके आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल बिरयानी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए आप देख सकते हैं, कैरेट को हम कट कर लेंगे ऐसे। मटर हमने ऐड कर दी है, और ये हमारी बीन्स हो गई है, बीन्स भी डाल देंगे। ये कैरेट हो गई है, और ये शिमला मिर्च हो गई है हमारी। ये हमारे आलू इसके अंदर डाल दिए हमने। ये हमारी कैबेज, टोटल हमारी ये 5 सब्जी हो गई है इसके अंदर। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, मैं 1.5 चम्मच के करीब सॉल्ट डाल रहा हूँ, स्वाद अनुसार डाल लें आप। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, ये रेड चिली पाउडर डाल दिया है हमने इसके अंदर 2 चम्मच, 1/2 किलो दही ले लिए हमने, ये 1/2 किलो दही इसमें ऐड कर देंगे। 1 पाव हमारी दही भी हमारी ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको चला लेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे अपनी सब्जी को। 1 बड़े साइज का मैंने भगोना ले लिया है, और मैं फ्लेम जलाने जा रहा हूँ। फ्लेम हमारी जल चुकी है, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे हम, रिफाइंड नहीं है मेरे पास तो मैंने सिंक दाने का ऑयल ले लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और अब हम अपनी प्याज के अंदर ऐड कर देंगे। प्याजों को हमें जलाना नहीं है, हल्की सी ब्राउनिश कर लेनी है। जब तक हमारे प्याजे हों, हमने गरम मसाला ले लिया है, ये देखिए 4 तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं मैंने,
और दो फूल ले लिए हैं, 9 मैंने काली मिर्च ले ली है, ये 5-6 मैंने लौंग ले ली है, 4 छोटी इलायची ले ली है, 2 बड़ी इलायची ले ली है, और ये मैंने दालचीनी ले के 2 टुकड़े ले लिए हैं, और ये मेरा 1 चम्मच जीरा है। तो ये सब मैं जैसे हमारी प्याजें हो जाती हैं उसके बाद डालने वाला हूँ इसके अंदर। ये देखिए मैंने जो हमारा चावलों के लिए पानी उबालना है तो वो मैंने पानी रख दिया है एक छोटे भगोने में, फ्लेम हमारी जल चुकी है, तो अभी हम इसको तैयार करते हैं। इसके अंदर सॉल्ट डाल लेते हैं 2 चम्मच। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नमक आप अपने हिसाब से डालना है आपको। सॉल्ट मैंने इसलिए भी ज़्यादा डाला है क्योंकि ये जब हम अपने चावलों को निचोड़ेंगे तो ये उसके साथ निकल जाएगा। तो हम 2 छोटी इलायची भी डाल देंगे इसके अंदर। ये सब खुशबू आने के लिए, टेस्ट आने के लिए चीज़ें डलती हैं सब। एक छोटा टुकड़ा हम दालचीनी का डाल देंगे इसके अंदर, और 2 तेजपात के पत्ते डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। 1/2 लेमन इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याजें देखिए ये हमारी ब्राउनिश हो गई हैं, अब हम इनको प्याजों को निकाल लेंगे। बहुत ही केयरफुली काम करना है आपको, निकाल लेंगे। थोड़ी सी प्याजें हम निकालेंगे क्योंकि ऊपर डेकोरेट के लिए हमें चाहिएंगी, और बाकी प्याजें इसी के अंदर रहने देंगे हम। अब हम अपना गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो भी मैंने आपको दिखाया था ये सब गरम मसाला। अब हम अपना टमाटर और ये ग्रीन चिली को भी डाल देंगे इसके अंदर, और चम्मच को अच्छे से चला देंगे। इतने हमारा गरम मसाला हो तो मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ, इसके ये जो हम ऑयल डालते हैं या फिर इसके अंदर जो लेमन डालते हैं तो इसीलिए डालते हैं ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, लेमन भी नहीं, तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, उससे भी चावल चिपकते नहीं हैं। कोरिएंडर लीफ कटिंग कर लेंगे आप। तो हम इसके अंदर अपनी सब्जी ऐड करने जा रहे हैं, जितनी भी हमारी सब्जी थी वो सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तेज आंच पे हमें तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनना है इसी तरीके से अपनी सब्जी को। चावल हमारे हो चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा, इनको चावलों को इसके अंदर डाल दूंगा, लेकिन इसके अंदर से हम तेजपात, क्योंकि खुशबू जो थी वो इसकी छूट गई है, इन्होंने छोड़ दी है। अब तेजपात और वो दालचीनी ये मैं निकाल दूंगा, इलायची इसी के अंदर रहने देंगे हम। चावल इसके अंदर डाल दें आप सारे अपने, ये मैंने 3 पाव चावल ले रखे हैं, चावल सारे हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए सब्जी भी हमारी भुनी रही है, इसे देखिए पानी सोख लिया है और ये ऑयल दिखने लगा है इसमें। चावलों को हमें बस 80% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो और बाकी चावल हमारे पकने हैं वो हमारे इस सब्जी के साथ में पक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी अभी थोड़ा सा अब बाकी है, क्योंकि मटर और आलू सबसे देर में पकते हैं, तो जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी, एक साथ पक जाएंगी। अगर मटर आलू आपसे पक नहीं रहे हैं, वैसे तो पक ही जाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा देर तक भूनना पड़ेगा, तो एक आप एक काम करें, आलू में एक दम लगा लें आलू और मटर का, तो उसमें पका लें, तो फिर आपका जल्दी हो जाएगा। चावल हमारे हो गए हैं और अब हम अपने चावलों को इसके अंदर डालने जा रहे हैं। चारों तरफ ऐसे फैला दें अपने चावलों को, अच्छे से सब तरफ फैला के डाल दें। अब हम अपनी प्याजें डाल देंगे इसके ऊपर जो हमने बचाई थी। अब हम अपनी प्याजें ऐड कर देंगे, ये देखिए जो हमने पहले बचा के रखी थी। कोरिएंडर लीफ भी जो हमने कटिंग की थी वो भी ऊपर डेकोरेट कर देंगे। इसके अंदर खुशबू के लिए हम केवड़ा भी डाल देंगे 5-6 बूंद। सब प्रोसेस हो चुका है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे दम आने के लिए, ताकि हमारी सब चीज़ें जो हमारे चावल अच्छे से गले नहीं है वो भी गल जाएं, और जो सब्जी हमारी बाकी है वो भी गल जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे दम आने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारी वेजिटेबल बिरयानी तैयार हो गई है, दम आ गया है इसके अंदर, और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त हो रही है ये।
बहुत ही डिलीशियस, खाने में भी बहुत ही जायकेदार लग रही है ये। तो बस ये देखिए हमारी वेजिटेबल बिरयानी बनके तैयार हो गई है। तो बस आज आप भी घर में अपने आसानी से बना सकते हैं इसे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट के जरिए लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।